सत्ता का और सांस्कृतिक सत्ता का, धर्म सत्ता का भी। बोलो जय श्री राम, नहीं तो मार दे। जहां पे इंटेलेक्चुअल्स, वकील, पत्रकार चुप हों, वैसे में कुछ चंद लोग ही सवाल उठा रहे हैं, और चंद लोग सिर्फ उन पर नहीं सवाल उठा रहे हैं, इसकी खूबसूरती है वो कथित रूप से जो अपने लीडर्स हैं, राज सत्ता जो चलाते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, उन पे भी बौद्धिक सवाल उठा रहे हैं। वैसे बौद्धिक लोगों को आपने यहाँ जमावड़ा लगाया है, उनको सम्मानित कर रहे हैं, मैं आपको साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, इतना बड़ा कार्यक्रम और सम्मान ये आयोजित कर रहे हैं। और इससे ज्यादा क्या कहूं, देखिए मुश्किल दौर में हम गुजर रहे हैं, और मैं व्यक्तिगत रूप से कहता हूं हमारे जितने साथी YouTube चैनल के हैं, जितने यहां, उनको उनके लिए ताली बजा दीजिए, मेरे लिए नहीं बजाइए, क्योंकि जो बात हम पढ़ते लिखते हैं यही साथी घर घर में पहुंचाते हैं। एक बात कहूंगा उसके बाद बात खत्म कि मैं प्रोफेशनल हिस्ट्री का छात्र हूं, प्रोफेशनल हिस्टोरियन बनने की कोशिश कर रहा हूं, इतिहास का छात्र हूं। मैं अंबेडकरवादी हूं कि नहीं हूं मैं नहीं जानता, मैं बुद्धवादी हूं कि नहीं हूं मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि बाबा साहब ने कहा था शिक्षित वही है जो शत्रु को पहचानता है। इतना जरूर जानता हूं कि मेरा शत्रु कौन है, और जो पढ़ता लिखता हूं वो जब आप बुलाते थे अगर प्रोफेशनल हिस्टोरियन, मैं अंबेडकरवादी हूं नहीं हूं मैं नहीं तय कर रहा, ना आप करेंगे, लेकिन आजकल सर्टिफिकेट बांटू संप्रदाय का भी एक जन्म हुआ है, सर्टिफिकेट बांटू संप्रदाय, वो पढ़ता लिखता नहीं है, सिर्फ सर्टिफिकेट बांटता है। डेमोक्रेसी ये नहीं है कि हम लोग सब एक विचार मानते हैं और एक ही साथ बैठते हैं, डेमोक्रेसी ये है कि थोड़ा बहुत हम लोग अलग विचार भी रखते हैं तब भी साथ बैठते हैं। तो हमारे समाज में खासतौर से सोशल मीडिया में एक सर्टिफिकेट बांटू जो कल्ट है उसका इमरजेंस हुआ है, जो पढ़ता लिखता नहीं है सर्टिफिकेट बांटता है। साथियों मैं एक्टिविस्ट भी हूं, और सोशल मीडिया के साथी जानते होंगे पिछले 3 साल में कम से कम देश और भारत में 500 सभाएं हमने की होंगी, पढ़ाने के अलावा और 7 किताब एडिट और लिखने के अलावा, रिसर्च बुक कि जो बात, एक बात की बधाई दूंगा कि कम से कम मिडिल क्लास लोग बुद्ध के विचार पे और अंबेडकर के विचार पे चल रहे हैं, और जितने आप लोग बैठे होंगे आप ही के पास समाज को देने के लिए कुछ है, आप ही के पास है, ये मानता हूं, लेकिन वो बात अभी जमीन तक नहीं पहुंची। मैं इस बार चुनाव प्रचार में गांव गांव घुमा हूं, बिहार उत्तर प्रदेश का, ये तकरीबन 1 महीने, वो लॉर्ड बुद्धा के बाद, बाबा साहब के बाद, वो अभी जमीन पर नहीं पहुंची। एक सविनय आग्रह कि हम लोग थोड़ा सा अपने कोजी जोन से निकलें, और जहां तक संभव हो बुद्ध विहार से निकले, मठ से निकले, घर से निकले, कम से कम शनिवार रविवार। और ये थोड़ी है कि यहां से बौद्ध धर्म जो है अपने आप चला गया जहां पे जन्म हुई थी, और दर्जनों देश में बौद्ध धर्म है, मार मार के कत्लेआम किया गया, हत्या किया गया, इसको उजाड़ा गया, तो बदलाव तो अपने होता नहीं, परिवर्तन होता नहीं। हम तो जैसे हिस्टोरियन जाते हैं और जो मुझे कहना है कहते हैं, हम तैयार करके आते हैं, ये छोड़ो, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप जाके उसको पकड़ाएंगे कि ये पकड़ो। तो आप लोग मठ से और तमाम इससे निकलिए, घर से निकलिए, और बौद्ध धर्म, बुद्ध का विचार और बाबा साहब के विचार स्वतः नहीं पहुंचेंगे, इसके लिए ह्यूमन एजेंसीज की जरूरत होती है, आप सबको घर घर जाके ये बात पहुंचानी पड़ेगी, तभी बौद्धमय भारत बनेगा, तभी बाबा साहब अंबेडकर का भारत बनेगा। रेवोल्यूशन चेंज इट्स नॉट नेचुरल, स्वतः नहीं होता है, ये लाना पड़ता है, परिवर्तन करना पड़ता है। अभी मैं बोध गया था, मेरे कई दोस्त मॉन्क हैं वहां पे, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गया, मैंने कहा कि एक काम करो मुझे 10 आप भिक्षु दीजिए और 50 लोग बोध गया में मेरे होंगे, और चलिए हम यहीं पे गांव गांव बौद्ध के विचारों का प्रचार करते हैं, बाबा साहब के विचारों का प्रचार करते हैं। मुश्किल हो जाता है मिलना, ये मैं ग्राउंड रियलिटी कह रहा हूं, ये ग्राउंड रियलिटी। इसलिए शांति स्वरूप जी आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया,
हम लोगों से तो सरकार और अपनी पार्टी है वो भी हम लोगों को गाली देती है, पता नहीं उनके खिलाफ भी लिखते रहते हैं। तो आपने सम्मानित किया और ये पहली बार सम्मान हमें मिल रहा है, लेकिन कार्रवाई जारी रहेगा, लिखते रहेंगे, बोलते रहेंगे, और सरकारी सम्मान के मोहताज हम लोग नहीं, हम लोग सरकार बदलने वाले लोग हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।